उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन ने कहा कि विधानसभा चुनाव में भाजपा 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी तथा जनपद में 3 मार्च को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने वाला है, जिसमें सभी सीटें भाजपा जीतेगी, क्योंकि यूपी में जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं तब से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया है और प्रदेश में गुंडा राज को समाप्त किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता को सभी योजनाओं का लाभ मिला है, जिसमें आवास, फ्री राशन का वितरण हो रहा है और पूरे प्रदेश को चौड़ी सड़कें मिली हैं तथा जनपद में एम्स की स्थापना हुआ है, इसलिए जनता बहुत खुश है और 3 मार्च को भाजपा के पक्ष में मतदान करने जा रही है, जिससे दोबारा योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि सभी नागरिक योगी आदित्यनाथ के कंधे को मजबूत करने के लिए भाजपा को वोट करें, क्योंकि 500 वर्षों से चले आ रहे राम मंदिर के मुद्दे को भाजपा ने खत्म किया, अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा कि यूपी में भाजपा 300 से ज्यादा सीटों से जीतेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन ने कहा, कल 3 तारीख को उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव जो है गोरखपुर क्षेत्र के चुनाव कल होने वाले हैं 3 तारीख को, और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से इसमें विजयी होगी और योगी आदित्यनाथ जी महाराज जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं और गोरखनाथ पीठ के उत्तराधिकारी हैं, वो पीठ के पीठाधीश्वर हैं और हम सब जो है उनके पद चिन्हों पर हम लोग सभी आम जनता काम कर रही है। और योगी जी ने जब से संभाला 2017 में, तब से उन्होंने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया है, गुंडा राज समाप्त किया है और तमाम लोगों को बहुत सी जो योजनाएं हैं प्रधानमंत्री की, वो मकान दिया है, लोगों को अन्न दिया है और मार्च तक सबको गरीबों में अन्न बांटा जा रहा है। और जनता जो है हर तरह से चौड़ी चौड़ी सड़कें दिया है, गोरखपुर में फर्टिलाइज़र दिया है, एम्स की स्थापना कराया है, तो ऐसे ही योगी जी को हम नमन करते हैं जिनके आने से गोरखपुर का, पूरे उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है। आम जनता बहुत खुश है और भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जो है इस बार विजय प्राप्त होगी और हम सबकी उत्तर प्रदेश में पुनः योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, हमारे मुखिया जो है योगी जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे और कल हमारे यहाँ गोरखपुर में क्षेत्र में जो है यहाँ पर मतदान है और कल सभी लोग जो है भाजपा के पक्ष में वोट देंगे। और मैं सबसे यही अपील करता हूँ कि योगी जी के कंधों को मजबूत करें और अपना बहुमूल्य मत कमल के निशान पर वोट दे करके भारतीय जनता पार्टी को और योगी जी को पुनः मुख्यमंत्री बनावें, ऐसा आप सबसे मेरी विनती है, प्रार्थना है। मैं एक बार ईश्वर से ही कामना करता हूँ कि योगी जी पुनः मुख्यमंत्री बने और आज राम मंदिर इतना बड़ा इशू, जो 500 वर्षों की गुलामी में भगवान राम जो है थे, आज इतना भव्य मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है, तो यह योगी जी और मोदी जी की देन है। एक बार पुनः हम सबसे पुनः एक बार आग्रह करते हैं कि वह सब कमल के निशान पर वोट दें और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से विजयी बनाएं, उत्तर प्रदेश में पुनः योगी जी को मुख्यमंत्री बनाएं। जय हिंद, जय भारत। कितनी सीटों चुनाव जीता है? हम यहाँ पर 14 सीटों का कल 7 तारीख को मतदान है, 62 सीटें हम लोगों की है टोटल। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें चुनाव? उत्तर प्रदेश में हम लोगों की सीटें 300 से ज़्यादा मिलनी चाहिए।